सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आते हैं सबसे पहले मिथियोनिन, मिथियोनिन एंड सेकंड सिस्टीन। ठीक है, मिथियोनिन और सिस्टीन, तो इसमें सल्फर ग्रुप होता है, सल्फर ए सल्फर एटम होगा जो मिथियोनिन में होता है ना, वो मिथियोनिन में सल्फर होगा और वो कार्बन के साथ अटैच होगा, दो कार्बन के साथ, सल्फर बाइंड विद टू कार्बन। जो ये वाला बॉन्ड है ना, दोनों बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रोंग बॉन्ड है जो सल्फर और कार्बन के बीच में बनते हैं। जो सल्फर कार्बन के साथ जो बना रहा है वो बहुत स्ट्रोंग बॉन्ड है और उसको बनाना बॉडी में डिफिकल्ट काम है, वो बॉन्ड बड़ी मुश्किल से बनता है। तो मिथियोनिन के अंदर क्या है, जो सल्फर है वो दो कार्बन के साथ अटैच है एंड इट इज वेरी स्ट्रोंग बॉन्ड। तो मिथियोनिन क्या आएगा, कौन सी कैटेगरी में, असेंशियल। ठीक है, असेंशियल अमीनो एसिड, तो कहां से लेंगे, डाइट से। और पोलर है नॉन पोलर, क्लियरली दिख रहा है नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। अब बात करें सिस्टीन की, सिस्टीन में क्या होता है, सिस्टीन में इसके अंदर S2 ग्रुप होता है, डाइहाइड्रल सल्फर, SH2 ग्रुप। ठीक है, SH2 ग्रुप, और एस जो ये एच है ना, डाइहाइड्रल सल्फर है, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये पोलर में आएगा, पोलर में, और ये सिस्टीन हमारा नॉन असेंशियल है। नॉन असेंशियल क्यों है सिस्टीन, क्योंकि मिथियोनिन से सिस्टीन जाता है, मिथियोनिन से क्या बनता है, सिस्टीन बन जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था फिनाइल एलानिन से क्या बनता है, टायरोसिन, मैंने आपको बताया था ना टायरोसिन। अगर हम डाइट में फिनाइल एलानिन ले रहे हैं तो टायरोसिन हमारे लिए नॉन एसेंशियल का काम करेगा, ऐसे ही अगर हम डाइट में मिथियोनिन ले रहे हैं तो सिस्टीन हमारे लिए नॉन एसेंशियल का काम करेगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि सिस्टीन नॉन एसेंशियल कब है, टायरोसिन नॉन एसेंशियल कब है, ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं कि डाइट में मैंने मिथियोनिन खा रहा हूं, मैं मिथियोनिन अमीनो एसिड ले रहा हूं अपनी डाइट में, तो मेरे लिए सिस्टीन क्या हुआ, नॉन एसेंशियल हुआ। अगर मैं मिथियोनिन अपनी डाइट में नहीं ले रहा तो सिस्टीन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें कंडीशन डिपेंड करती है, बट ये नॉन असेंशियल कैटेगरी में आएंगे, कौन कौन से, हमारा सिस्टीन और अपना टायरोसिन, टायरोसिन एंड सिस्टीन बोथ आर नॉन असेंशियल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये पोलर है, SH2 डाइहाइड्रल सल्फर ग्रुप होता है, और मिथियोनिन क्या है, नॉन पोलर है।